Aman Sharawat has created history. He has become the youngest to win a medal for India at the podium of the Olympics. अमन बधाई आपको, आपने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, पहले भी जीते हैं, आपने शुरुआत की वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 3 में गोल्ड जीता और यहाँ फिर एक बार ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक जैसे मंच पे, तो कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? इस उपलब्धि को मतलब बहुत अच्छे देख रहे हैं भाई, आगे जाके और अच्छा करेंगे, इससे भी 2028 के में इससे भी बढ़िया मेडल का रंग बदलेंगे। और अमन, अगर आपसे कोच से बात हुई हमारी, कोच ने कहा कि अमन बहुत ही फोकस्ड 100% फोकस रहता है, और जब आप ट्रेनिंग करते हैं बाहर, होटल का कमरा और आपका ट्रेनिंग और आपका कंपटीशन वेन्यू, तो इतनी कम उम्र में इतना फोकस, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से सीख मिलती है आपको? मतलब इस मेन तो डिसिप्लिन है, तो मतलब इतना बड़ा मेडल चाहिए तो डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, अगला मेहनत मेहनत से भी कुछ नहीं होता, तो मतलब ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था। तो आपने बहुत ही बेहतरीन बाउट खेली इधर, बट वो जो आशा थी आपसे कि आप गोल्ड ही जीतेंगे, हम जानते थे किस तरह का प्रदर्शन आप करते हैं करके, तो उसका कुछ है मतलब कि नेक्स्ट टाइम उसको कन्वर्ट करेंगे, जो कमी है और क्या सीखने को मिला यहाँ से ओलंपिक से, पहला ओलंपिक का? मतलब यही सीखने को मिला भाई, शुरू में स्कोर नहीं देना, बस शुरू में इतने बड़े लेवल पर स्कोर देना तो वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से टॉप्स है, खेलो इंडिया है, आप सब लोगों के लिए इन स्कीम से कितना फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इन स्कीम से टॉप साई और WFI ने भी बहुत मदद करी, तो मतलब इनसे बहुत फ़ायदा मिले। अब देखिए, अमन का जिस तरह से कहना है कि तमाम जो गवर्नमेंट की स्कीम से उनसे फ़ायदा मिल रहा है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने जो ओलंपिक में मेडल जीता है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो भारतीय रेसलिंग है, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन रेसलिंग इज ब्राइट, एंड वी आर होपिंग दैट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल कन्वर्ट दिस ब्रॉन्ज मेडल इनटू अ गोल्ड इन LA। आप ऐसे ही मैच के किसी खास पल को फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।